नगर क्रांति एक्सप्रेस। जब हम सफर में होते हैं तो ढाबे पर पड़ाव ना हो, भला ये कैसे मुमकिन है। अब नगर क्रांति एक्सप्रेस आगरा की सीमा में है। यहाँ इस सफर में नगर निकाय चुनाव पर चर्चा के लिए पहुंच चुके हैं केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता एसपी सिंह बघेल, जो आगरा की सियासत के बड़े सूरमाओं में एक हैं। अब हम आगरा में पहुंच चुके हैं और नगर निगम चुनाव को लेकर आगरा में कैसा माहौल है ये आपने यहाँ की सड़कों पर देखा। और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बघेल साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा। आपका आगरा में स्वागत है। तो हम आगरा में आए हैं और जाहिर सी बात है एसपी सिंह बघेल साहब से बात ना हो, मुलाकात ना हो, ये नामुमकिन है। बघेल साहब, ये बताइए कि दिल्ली जब से निकाय के चुनाव घोषित हुए हैं, आपने दिल्ली छोड़ के आप आगरा और आसपास के इलाके में लगातार दौरे कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये दौरे नतीजों में तब्दील होंगे? बिल्कुल नतीजों में तब्दील होंगे और इतिहास गवाह है। मेरे राजनीतिक जीवन में पिछले 5 नगर निगम के चुनाव हुए हैं, 5ों बार भारतीय जनता पार्टी जीती है जी। और एससी सीट पे भी जीती है, एससी महिला पे भी जीत चुकी हैं बेबी रानी मौर्या जी और अंजुला माहौर, एससी पुरुष पर भी किशोरी लाल माहौर और इंद्रजीत आर जी, और सामान्य पर नवीन जैन साहब जी। तो हम इस कैटेगरी में भी जीत चुके हैं जी। तो आप आश्वस्त हैं? आगरा की महान जनता के आधार पर, उनके विश्वास के आधार पर और केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं और राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाएं और मुख्यमंत्री का खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बह रहा है, इससे कमल खिलेगा। इस आधार पर सिर्फ कमल खिलेगा। ट्रिपल इंजन की बात अब आप कर रहे हैं, डबल इंजन के बाद, तो इस डबल इंजन ने ऐसा क्या कर दिया कि आपको लगता है कि ट्रिपल इंजन भी यहाँ दौड़ जाएगा? मैं आगरा का एमपी हूँ, 5 विधानसभाएं हैं, मुझे सांसद निधि 5 करोड़ मिलती है जी, 1 विधानसभा में 1 करोड़ और 70 लाख की 1 किलोमीटर सड़क बनती है। तो मैं जिस दिन 1.5 किलोमीटर का प्रस्ताव लिख दूंगा, 364 दिन मेरे पे 54 नहीं बचेगी। माननीय विधायक को 1 विधानसभा में 5 करोड़ मिलती है, तो उस हिसाब से हमको 25 करोड़ मिलना चाहिए। लेकिन नगर निगम में 3.5 विधानसभाएँ, मेरे को 5 विधानसभाओं 5 करोड़ और नगर निगम को 3.5 विधानसभा में 300-400 करोड़, इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। सुख सुख में एसपी सिंह बघेल खड़े होते हैं, पूरे इलाके में सब लोग जानते हैं, छोटे से छोटे दुख में खुशी में खड़े होते हैं, मतलब आप भावनात्मक बड़े इमोशनल शख्सियत है आप। लेकिन ये बताइए बघेल साहब कि बच्चों की भी तो कोई भावनाएं होती हैं, आपने आपकी बेटी ने टिकट मांगा तो उनकी भावनाएं तोड़ दी आपने। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि परिवारवाद को ख़त्म करना है और चैरिटी बिगेंस फ्रॉम होम, तो ये डबल कथनी करनी में फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन एक बात भाई देवी, वो MBBS MS है, ENT सर्जन है और मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता है, तो मेरे घर में है तो राजनीति भी जानती है जी। लेकिन एक खुशी की बात है कि प्रस्ताव माननीय एक विधायक जी ने रखा, मिनिस्टर हैं वो जी, और जैसे ही उनने रखा मैं सख्ते में आ गया, क्योंकि मैंने कहा ही नहीं था किसी से, बायोडाटा भी नहीं उसका छपा है। मैंने तुरंत खड़े होकर कहा कि एक तो मैं अब यहाँ से जाना चाहूँगा, अब आपने नाम रखा है तो उसके खिलाफ कुछ बोलना हो तो मेरी अनुपस्थिति में, और मैं कोई अतीक अहमद तो हूँ नहीं कि मेरे डर के मारे सारे एक राय बना लें। हमने जब 100 वार्डों पर टिकट पर डिस्कस किया, जैसे ये है मनोज का 44 नंबर वार्ड, इस पर 15 मिनट डिस्कस हुआ है, मेरिट डी मेरिट दूसरे पे सोचा तीसरे पे, लेकिन सलोनी बघेल पे डिस्कस नहीं हुआ। तो मैंने कहा हो सकता है मेरी उपस्थिति में ना करना चाहते तो मैं बाहर जाता हूँ, तो लोगों का जब आपने प्रस्ताव ही नहीं रखा तो आप क्यों बाहर जा रहे हो, ये तो हमारा है। फिर भी मैंने खड़े होकर एक बात कहा कि एक स्पेशल केस है, मुझे लगता है पार्टी ने तय किया किसी के परिवार में नहीं लड़ाना, तो भैया दूसरे तीसरे पे तुरंत डिस्कस करो। आज आप एबीपी गंगा के माध्यम से लोगों को क्या आश्वस्त करेंगे कि किस तरीके से वो आप पर दोबारा से उम्मीद जताएंगे? विश्व का कोई भी व्यक्ति यदि पर्यटन के दृष्टिकोण से आता है भारत, तो उसके सिलेबस में मद्देनजर ताजमहल होता है। जो विश्व का व्यक्ति आगरा आएगा, आगरा अच्छा है तो देश के बारे में राय अच्छी बनाएगा,
आगरा अगर गंदा है तो देश के बारे में, क्योंकि वो पूरा देश घूमने नहीं जाता है। अगर जीतते हैं तो उसके बाद क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी और किस तरह आपका काम करने का तरीका होगा कि लोगों को भरोसा हो ये हमारी सरकार है और हम सीधा उनके पास पहुंच सकते हैं? केंद्र सरकार से बहुत सारा बजट हम लोग स्मार्ट सिटी में फेज टू में हम एक्सटेंशन करेंगे अपने शहर का, बैराज में हो ही रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे एक इंटरनेशनल स्टेडियम, क्योंकि 5000 गोरे यहाँ हमेशा घूमते रहते हैं, तो यहाँ पर कभी IPL होगा जैसे आजकल हो रहे हैं। तो आगरा दो पर्पज से होता है कि एक तो ताजमहल बोनस में देख लेंगे और मैच भी देख लेंगे। अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि अभी 24 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार शहरों में भी कुछ बदलाव आएगा। वो 17 में बाहर गए हैं ना, तो अब अगला चुनाव 29 में होगा, नहीं भाई 27 जी 27 में होगा, तो 10 साल। अभी वो जनरेशन जिंदा है जिसने देखा है कि प्लॉट खाली था तो कब्जा हो गया। अभी वो जनरेशन जिंदा है कि बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था माँ गेट पर खड़ी रहती थी, अपहरण तो नहीं हो गया। आज किसी की भी बेटी लखनऊ जा रही है, आगरा जा रही है, हम चिंता नहीं करते। लेकिन 17 पुलिस कर्मियों की कस्टडी में 2 आरोपी अतीक अहमद और अशरफ को गोली मार दी जाती है। देखिए उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर का, जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, ये योगी काल लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग है। अपराध विहीन समाज कभी नहीं हो सकते। अतीक के केस को कैसे देखते हैं? अतीक के केस में ये आपकी बिरादरी नहीं होती तो मर्डर नहीं होता, तो आप प्रिविलेज कैटेगरी के लोग हैं। आप तो संदेश वहां के साहब प्रिविलेज कैटेगरी के लोग हैं, इसलिए आपकी धमक में सिपाही भी आ जाएंगे, इंस्पेक्टर भी आ जाएगा, अरे भाई मीडिया है इन्हें बहिष्कार कर दिया, ये नाराज हो गए तो फिर मनाना पड़ता है आपको। तो वो ID और वो ना हुआ होता है और कॉमन मैन वहाँ आ रहा होता ऐसे हाथों से तो नहीं पास में आ पाता। आपकी आदत है, आपकी राजनीतिक करियर की ये आदत सी है आपको रिकॉर्ड बनाने की, और चलिए हमारी आपको शुभकामनाएं कि आप फिर से रिकॉर्ड बनाएं और जो दावे कर रहे हैं वो जनता चाहते हैं कि वो हकीकत में तब्दील हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ABP गंगा की आगरा में आपका स्वागत है और आचार संहिता लगी हुई है जी, तो प्रलोभन माना जाएगा वरना मैं आपको खाना भी खिला। खाना चुनाव के बाद खाएंगे। ABP गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस का ये सफर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हर पड़ाव पर इसमें सवार होंगे पश्चिमी यूपी के सियासी दिग्गज जो बनेंगे TV न्यूज के इतिहास की यादगार नगर क्रांति के गवाह। ABP गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस का ये सफर लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। आगरा से नगर क्रांति एक्सप्रेस का ये सफर बढ़ चला है मुरादाबाद की ओर, नगर चुनाव की नई क्रांति का इतिहास लिखा जाना अभी बाकी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।